Good morning, students. Yesterday we have started chapter 1st, nutrition in plant, and in that chapter we have done autotrophic mode of nutrition. And autotrophic mode of nutrition in plant, all the green plant have this mode of nutrition, because all the green plant have chlorophyll, so they do photosynthesis. Photosynthesis mein kal humne dekha कि प्लांट जो है उसके फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट जो है चाहिए. आज हम प्रूव करेंगे कि ये जो है एक्टिविटी के थ्रू कि क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट जो है नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए. फॉर दिस वी विल डू आवर फर्स्ट एक्टिविटी टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. Here in first activity, we take some variegated leaf. What are variegated leaves? Variegated leaves are the leaves which are partially green and with partially some other color. Suppose I have taken this leaf. This part is green and this part is yellow. जैसा कि कल हमने स्टार्च टेस्ट किया था, लीफ को बॉईल किया था और उसके ऊपर हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला था और उसके अंदर ब्लू ब्लैक कलर जो था शो हुआ था. ये जो प्रेजेंस ऑफ ब्लू ब्लैक कलर थी ये बताती थी कि इसमें स्टार्च है. तो सेम तरीके से हमने ये वेरिएटेड लीफ को लिया और उसको हमने बॉयल किया वाटर अल्कोहल के अंदर, और ये टेस्ट ट्यूब को हमने वाटर में रखा हुआ है बॉइल्ड वाटर में, और इसको हमने निकाल के वॉश किया और इसके अंदर हमने फिर से इसके ऊपर हमने डाला आयोडीन सॉल्यूशन. अब द पार्ट ऑफ द लीव विच हैव ग्रीन कलर इट शो ब्लू ब्लैक कलर, एंड द अदर पार्ट ऑफ द लीव डू नॉट शो एनी ब्लू ब्लैक कलर. व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स दैट दिस पोर्शन वेयर chlorophyll was present, it has shown the presence of a starch, whereas the yellow portion do not show the presence of starch. It means chlorophyll is necessary for photosynthesis. Now let us shift to next activity, that is to show that light is necessary for photosynthesis. इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पॉटेड प्लांट लेंगे और उस पॉटेड प्लांट के अंदर हम क्या करेंगे, किसी एक लीव को अच्छी तरह से, जैसे कि एक लीव लिया और उसे हमने ब्लैक टेप के साथ या ब्लैक पेपर के साथ हम कवर कर देंगे. ये जो पोर्शन है ये कवर हो जाएगा. अब हम इसको धूप में रहने देंगे दो तीन, जहाँ एक दिन बाद जहाँ दो तीन घंटे के बाद अगर हम इस लीफ को प्लक करेंगे और सेम स्टार्च वाला टेस्ट इसके साथ रिपीट करेंगे, सेम इसको बॉयल करेंगे और इसके ऊपर डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन. अब हम क्या देखेंगे कि ये जो पोर्शन होगा इसके अंदर नो ब्लू ब्लैक कलर शोन, इट डू नॉट शो एनी ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन. जबकि ये जो पोर्शन था दैट वी हैव नॉट कवर्ड, इट शो ब्लू ब्लैक कलर विद द आयोडीन सॉल्यूशन. व्हाट डज दिस शो? इट अगेन शो दैट इट दिस पोर्शन हैव फोटोसिंथेसिस जा मेड फूड इन इट. इन फोटोसिंथेसिस प्लांट में एक फूड ना, तो हियर प्लांट का खाना बन गया जहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये प्रूफ हो गया. तो हमारा दूसरा एक्टिविटी भी प्रूफ होगी कि लाइट जो है नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए. अब हम तीसरी है हमारे पास कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्लांट लेंगे, पॉटेड प्लांट लेंगे और साथ में हमें चाहिए
एक कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क इस तरह से एक ट्राइंगुलर सी फ्लास्क होती है जिसको हम कॉनिकल फ्लास्क कहते हैं। इसके अंदर हमने डालना है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक केमिकल है जो हमें लैब में अवेलेबल होता है, और अगर हम इसको वाटर में डालेंगे तो जो एयर होगी इसके अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगी। अब हमने क्या करना है, पॉटेड लीफ को, पॉटेड सॉरी एक पॉटेड प्लांट का जो एक लीफ है एक ब्रांच का, उसको इसके अंदर डाल देना, एक लीफ को विदाउट प्लकिंग। क्या करना है, हमने उसे तोड़ना नहीं है, इसको प्लांट के साथ ही रखना है विदाउट प्लकिंग, बिना तोड़े हमने इसको इसके अंदर डाला, और यहाँ पे हमने कोक के साथ इसको टाइट कर दिया। अब हम इसको थोड़ी देर धूप में रहने देंगे, फिर से हम इस लीव को निकालेंगे बाहर और सेम स्टार्च वाला टेस्ट करेंगे। क्या होगा, ये जो लीव है ग्रीन कलर का है, पर जब हमने इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो इसके अंदर नो ब्लू ब्लैक कलर इज शोन। यहाँ पे कोई ब्लैक ब्लू ब्लैक कलर दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो थी, जो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी फ्लास्क के अंदर, वो ये जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड था इसने एब्जॉर्ब कर ली थी, और इसे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड जो थी नहीं मिली, इसलिए इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ और स्टार्च नहीं बना, इसलिए आयोडीन के साथ इसने ब्लू ब्लैक कलर शो नहीं कराया। तो इन थ्री एक्टिविटीज से हमने ये देखा कि क्लोरोफिल, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए नेसेसरी है। अब हमारा लास्ट एक्टिविटी है जिसमें हम ये बताएंगे कि ऑक्सीजन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एक हम बीकर के अंदर वाटर लेंगे, उसके अंदर हम कुछ ब्रांचेस जो हैं हाइड्रिला या किसी और सॉफ्ट प्लांट की वो डालेंगे, और इसके ऊपर हम एक इन्वर्टेड फनल डालेंगे। फनल आपको पता होगा, फनल क्या होती है, इस तरह से आपको मैंने दिखाई हुई है 6th standard में, ये जो है फनल होती है। तो फनल के अंदर हमने इसको जाने दिया प्लांट को, और इसके अंदर हमने, इसके ऊपर हमने एक टेस्ट ट्यूब रखा हुआ है, इसके अंदर वाटर डाला हुआ है, यहाँ पे प्लांट है। अब हम इसे धूप में रखेंगे तो जी कुछ बबल्स जो हैं इसमें निकलेंगे, प्रोड्यूस होंगे। ये जो बबल्स हैं ये क्या हैं, ऑक्सीजन दैट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट ऑक्सीजन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये थी हमारी एक्टिविटी जिसमें हमने आपको ये बताया। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसके लिए आप चाहो तो अपनी बुक के अंदर 17 और 18 पेज की रीडिंग करना अच्छे से। और नेक्स्ट हमने आज का टॉपिक लिया है इंट्रोडक्शन ऑफ हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कल मैंने आपको हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मीनिंग बताया था। हीटरोट्रॉपिक का मतलब होता है जो दूसरों से अपना फूड लें। तो इसके लिए हमारे पास पहली एग्जांपल थी एनिमल्स, वो मैंने कल के वीडियो में बताया था। सेकंड एग्जांपल है नॉन ग्रीन प्लांट्स। बिकॉज नॉन ग्रीन प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफिल, सो दे डू नॉट डू
photosynthesis. That's why they depend for their food on another plants. So animals also do not prepare their food. They are also depend on plant directly or indirectly. Directly and indirectly means, suppose there is a giraffe. It eat the plants. It means this is directly depend upon the plant. So it have a heterotrophic mode of nutrition, and the animal which eat the plant directly, we call them herbivore. Another example, then if a lion eat that giraffe, that is also actually take the food from made by plants, because indirect way the energy which first plant then herbivore then carnivore, the energy in the food of carnivore come from the herbivore, and herbivore get energy from plant, and plant get energy from sun. हम ये भी बोल सकते हैं कि जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का वो सनलाइट के अंदर है, जो पहले प्लांट में जाती है और प्लांट से हर्बीवोर के अंदर, और अगर हर्बीवोर को कोई कार्निवोर खाता है तो यही एनर्जी जो है कार्निवोर में जाती है. इस तरह से जो सोर्स है एनर्जी का वो अल्टीमेट सोर्स जो है एनर्जी का वो सन है, और ये जो कार्निवोर के अंदर सोलर एनर्जी जा रही है ये इनडायरेक्ट वे है. तो मैंने दो चीज़ें आपको बताई, इनडायरेक्ट है ये. तो आई थिंक दिस इज सफिशेंट फॉर द डे. आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर. And do reading up to page number 18, and also try to find the related exercise given at the back. Thank you.